उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अलग धर्म वाले दंपत्ति की पासपोर्ट अर्जी खारिज करने और उन्हें कथित रूप से अपमानित करने के आरोप में विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर सख्ती दिखाई है। मामला सामने आने के बाद पासपोर्ट ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही कार्यालय ने इस मामले पर पासपोर्ट कार्यालय से रिपोर्ट भी मांगी है। जानकारी के मुताबिक दंपत्ति को पासपोर्ट भी दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय के सचिव डीएम मुले ने भी संज्ञान लेते हुए जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। रीजनल पासपोर्ट अफसर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा, उनका पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कल एग्जैक्टली हुआ क्या था काउंटर? पहले आपको बता दीजिए कल क्या हुआ था आपके साथ, फिर उसके बाद आवश्यक नहीं था कि वो दस्तावेज उनको मांगना चाहिए था उस समय में ही। राणा जो एपीओ ऑफिसर थे उन्होंने हम लोगों को बुलाया और उन्होंने बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और उन्होंने हमें बोला कि आप आरटीओ ऑफिस कल चले जाइएगा एंड एवरीथिंग विल बी डन प्रॉपरली एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट सारे कम्प्लीट हैं। उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दिया ये मुझे नहीं पता, अक्सर पर्सनल ओपिनियंस होते हैं उसको हम कभी कभी रख नहीं पाते हैं असाइड और हम बायसनेस दिखा देते हैं, तो शायद वही पहले के पुराने मैनुअल्स में मैरिज सर्टिफिकेट लिया जाता था, अब वो भी नहीं लेने का कोई इस तरीके का नियम नहीं कि हम मैरिज सर्टिफिकेट लें। कोई किसी भी धर्म का हो उसको इंटरव्यू करते हैं, धर्म से और पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं। आगे इस तरह का घटना न हो उसको इंश्योर करने के लिए क्या विभाग नहीं, हम लोग निरंतर काउंसलिंग करते हैं अपने ऑफिसर्स की, निरंतर आवश्यक निर्देश जारी करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सोशल मीडिया और ट्विटर पे बड़ी सक्रियता से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।